हेलो फ्रेंड्स, टेक एज यूट्यूबर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक में आप अपना आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं बैंक में, तो कैसे लिंक करेंगे घर बैठे ही सबसे आसान और सबसे सरल तरीके में। तो देख सकते हैं, इस तरह से गूगल पर जाने के बाद आपको OTP बेस आधार सिंह PNB यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से सीधे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे जो पंजाब नेशनल बैंक की और ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आपको OTP बेस का ऑप्शन है, इसके नीचे आप क्लिक हेयर फॉर OTP बेस आधार सिंह पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सीधे आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। और आपको बता दें कि जैसे आप इस वेबसाइट पे आने के बाद अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, यहाँ से अपने अकाउंट नंबर को इंटर करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जैसे होता है क्या कि जैसे सीधे आप पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे आएंगे, इसमें आधार कार्ड को अपडेट करेंगे। इसके लिए फ्रेंड आपको पंजाब नेशनल बैंक की देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद वहाँ से सीधे आपको नीचे आपको देख सकते हैं यहाँ से आपको ऑप्शन में देगा जो आपको आधार अपडेट आधार का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आधार पर सीधे यहाँ पर भी आ सकते हैं। जिसे वहाँ से डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, फिर से यहाँ से भी आना चाहते हैं तो इस तरीके से आ सकते हैं। दोनों सेम तरीका होता है, तो सबसे आसान तरीका है जो आप सर्च करके भी यहाँ से आ सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से आने के बाद अपना अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने नंबर को इंटर कर रहे हैं। जैसे आप अपने खाते का इंटर करने के बाद अपना आधार कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर फिर क्लिक करने के बाद यहां से देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। उसके पर से आपके नंबर पर जब आपका खाता है उसमें आपको नंबर पर OTP आएगी, तो यहां से क्या होता है कि आपके नंबर पर OTP आएगी, उसके पर से यहां से आप उसको कैप्चा इंटर करेंगे। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आपको आसानी से आपका नंबर विजुअल हो जाएगा, आपको अपडेट हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से हम अपने नंबर को इंटर कर दिए हैं। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद फ्रेंड आपका यहाँ से देख सकते हैं नाम शो कर देगा और आपका जन्म तिथि शो कर देगा और किस जेंडर से हैं, जैसे फीमेल है मेल है, इस तरह से आपको शो कर देगा। उसके पर से यहाँ से देख सकते हैं प्रोसीड फॉर आधार वेरिफिकेशन, यहाँ से आपको नीचे आपको देख सकते हैं आपको शो कर रहा होगा। यहाँ से आप शो करने के बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको आधार नंबर मांगेगा और आपका यहाँ से जो होता है गिव योर कंटेंट्स यूज योर आधार विल बी डिसन, मतलब आप यहाँ से यस कर देंगे, फर्स्ट वाले को आधार नंबर डालेंगे और इसको यस कर देंगे, उसके ऊपर से कंटिन्यू कर देंगे। फ्रेंड कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से हम अपने आधार कार्ड को इंटर करने के बाद हमारे नंबर पर आधार कार्ड के OTP आएगी मोबाइल नंबर पर। तो मोबाइल नंबर पर OTP आने के बाद यहाँ से वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड वैलिड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो ओके पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से सिस्टम लोडिंग लेगा जो आपको तीन स्टेप में आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आएगा। तो यहाँ से डेट ऑफ बेनिफिट पूरा डिटेल में आ जाएगा, यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपके द्वारा मैसेज में सिस्टम को रीड कर लेगा, रीड करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ से ओके पर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं करना है तो इस तरह से आपको वेट करना है। फ्रेंड आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक हो रहा है, अब लिंक होने के बाद आपको पूरा सिस्टम इस तरह से फिर से आपको शो कर देगा कि आपका आधार कार्ड लिंक हुआ है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड इस तरह से आपको दिखाते हैं, आपको फिर से ओके पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड ओके पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से आपका डिटेल आ जाएगा आधार कार्ड का, कैप्चर सक्सेसफुली, आधार डिटेल कैप्चर्ड सक्सेसफुली। उसके पर से आपका नाम दे देगा, डेट ऑफ बर्थ दे देगा, हाउस नंबर दे देगा, आपका जो था गांव का नाम दे देगा, उसके पास से आपका डिस्ट्रिक्ट दे देगा, पिन कोड दे देगा, पिन कोड ऑफिस दे देगा, पूरा एकदम डिटेल में आपको आ जाएगा। उसके पास से आपका अकाउंट नंबर दे देगा, आपका ईमेल आईडी दे देगा जब सेट रहेगा, तो इस तरह से पूरा डिटेल में आपको सेट हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको पूरा डिटेल देगा, आपको सबमिट हो चुका है। और कभी भी आप अपने आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो इस तरह से आसानी से कर सकते हैं घर बैठे ही। तो फ्रेंड ये तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो फ्रेंड वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।